इजराइल और हमास के बीच महायुद्ध चल रहा है। अब तक करीब 2000 से ज्यादा लोगों की इस युद्ध में मौत हो चुकी है। हमास के हमले में करीब 1200 इजरायली मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल की सैन्य कार्रवाई में करीब 950 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल और हमास युद्ध में दुनिया पूरी तरह दो खेमों में बटी नजर आ रही है। भारत आधिकारिक तौर पर इजराइल के समर्थन में खड़ा है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमास की हैवानियत का समर्थन किया है, साथ ही हमास के आतंकियों को पीड़ित करार भी दे दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर भी आपत्ति जाहिर की। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारत के आधिकारिक रुख का विरोध करते हुए फिलिस्तीन और हमास का समर्थन किया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत में हमास के कितने हमदर्द हैं। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Violence, oppressor kaun hai wahan par? Oppressor Israel hai. Oppressed kaun hai? Palestini hai. जो ये गतिविधि हुई आतंकवादी, इसके समर्थन में बयान देना, इसके समर्थन में खड़ा होना, ये बहुत ही विषैली प्रवृत्ति है और मुझे लगता है कि ये भारत की सोच, भारत की आत्मा से जुड़ी हुई प्रवृत्ति नहीं है। आतंकवादियों का संगठन, आतंकवादियों के संगठन का समर्थन करने का मतलब है कि हम भारत के खिलाफ जा रहे हैं। और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी को ही उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या? इस जंग को खत्म कराने में पहल करनी चाहिए। और जो लोग इस तरह की हरकत, जैसे महिलाओं के साथ जो आपने कहा कर रहे हैं, वो गलत है। तो हमास के कितने हमदर्द हैं, यही सवाल अब बना हुआ है। और ऐसे में ओबीसी मुस्लिम लॉ बोर्ड भी हमास का सपोर्ट कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। लेकिन जनता से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोचती है इस बारे में, माहौल इसको लेकर कितना टाइट है। अलग अलग सहयोगियों के पास हम चलेंगे, तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस वक्त विवेक भी हमारे साथ है, सहारनपुर से नीना जैन भी हमारे साथ है, रामपुर से भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सैयद आमिर, इसके अलावा सुनील सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम विवेक त्रिपाठी के पास ही चलते हैं, लखनऊ। विवेक, जिस तरीके से इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद हमास की जब हम बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन की जब हम बात कर रहे हैं, तो दो गुटों में यहां पर बटा हुआ कंट्रीज नजर आ रही हैं। भारत पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है इजराइल का, लेकिन अब एक तरफ हमने देखा एएमयू में किस तरीके से नारे लगे थे फिलिस्तीन के समर्थन में, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ भी इस आतंकवाद का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की जरा राय जानिएगा, लोग कितना सही से मान रहे हैं, कितना माहौल टाइट है। बिल्कुल शिल्पा, युद्ध कहीं भी होता है और किसी से भी होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। खून खराबा होते जब लोग देखते हैं तो उनका मन एकदम द्रवित हो जाता है, और खासकर जब युद्ध आतंकवाद के खिलाफ होता है तब लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे जो संस्थाएँ हैं, वो संस्थाएँ अगर सपोर्ट करती हैं तो जाहिर है जनता की प्रतिक्रिया कैसी होगी, अजीब होगी। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं शोएब सिद्दीकी। शोएब भाई, ये बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सपोर्ट किया है हमास का, चूंकि इसराइल के हालात आप देख रहे हैं बीते एक सप्ताह से क्या है, क्या स्थितियां हैं, गाजा पट्टी में भी आपने देखा, आपको क्या लगता है ये सपोर्ट आतंकवादियों के लिए सही है, आतंकवादी संगठन के लिए सही है? देखिए सर, ऐसा है कि जहाँ तक आतंकवादी की बात है तो पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो आतंकवाद का सपोर्ट करता हो, और जहाँ तक बड़ी बड़ी संस्थाओं की बात है तो जो मामले सामने आ रहे हैं उसको मद्देनजर आप ये देखिए कि इसराइल ने आज से नहीं बरसों से फिलिस्तीन को तबाह कर रखा है, और जब जब हमले होते हैं तो पहले फिलिस्तीन अकेले उसको संभालता था, वहाँ दो दो साल के बच्चों को इसराइल की फ़ौजें गर्दन काट देती, मार देती, तब कोई मुल्क नहीं बोला। और आप ऐसा नहीं आते कि हिंदुस्तान, हमारी गवर्नमेंट भी इस मामले में फिलिस्तीन के साथ है कि इस तरह जो जुल्म किया जा रहा है। और जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है
तो इसका जवाब दिया जाएगा। मंदिर आम पे जब कोई बात अगर आती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। आप ये बताइए जो जुल्म ये आतंकवादी संगठन है हमास, आपने देखा होगा उसके बहुत दर्दनाक वीडियोज आए हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय? देखिए जहाँ तक राय वाली बात है, जैसे भी आप बता रहे हैं, आप बताइए कि फिलिस्तीन पे जो जुल्म हुए हैं, इसराइल ने जुल्म किए हैं, क्या वो आतंकवादी वाली बात नहीं है? भारत इसराइल का सपोर्ट कर रहा है। भारत अगर इसराइल का सपोर्ट कर रहा है ठीक है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपोर्ट देखिए कर रहे हैं। अभी सऊदी अरब के सलमान साहब बादशाह आए थे, उनको माना गया था, ये बात नहीं। लेकिन इसराइल जो जुल्म कर रहा है, आप देखिए ईरान ने खुल के सपोर्ट किया, जबकि लोग कह रहे थे ईरान नहीं आएगा, सिर्फ इराक आएगा, ईरान ने खुल के सपोर्ट किया है। और कई ममालिक जो हैं अब फिलिस्तीन के साथ आ रहे हैं, खुल के आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी भी हमारे बहुत समझदार हैं, वो जो फैसला लेंगे ऐसा नहीं कि वो बच्चों पे जुल्म होने देंगे। इसराइल बहुत जुल्म कर रहा है, सबको मालूम है, ऐसा नहीं कि हमको आपको नहीं मालूम। लेकिन मैं गुजारिश यहाँ पे करूँगा कि मीडिया को भी कि किसी एक चीज़ को टारगेट बना लें, जो जुल्म हो रहा है पहले उसको आप देखें। जुल्म बोर्ड जो हमास को सपोर्ट कर रहा है वो क्या कहेंगे उस पर बोर्ड? भाई देखिए बोर्ड ने जहाँ तक जो बात कही मेरे मंदिराम पे नहीं आई है, अगर बोर्ड की बात आती है तो हम लोग भी उसमें जिम्मेदार लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अगर हमास ने ऐसा किया है या इसराइल ने ऐसा किया है। तो आप ये देखिए कि ये जो बातें आ रही हैं, जब हिंदुस्तान में किसी मुल्क में तकलीफें जुल्म होते हैं तो उस पर बात नहीं होती है, लेकिन चूंकि इसराइल ने तो हमला किया है और इसराइल पर जो बोर्ड की बात पर आई है शुएब भाई, बोर्ड जो कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमास का सपोर्ट करें। देखिए पर्सनल लॉ इसराइल और फिलिस्तीन को छोड़, देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है किसने बात कही आप बताइए, दावे के साथ बताइए, आपसे किसी ने कहा? आपका बकायदा पत्र जारी हुआ है। मैं इस बात पर नहीं करता हूँ, देखिए आपसे किसी ने कहा तो बताइए, अगर बोर्ड में किसी ने आपसे कहा है, किसी की अपनी राय हो सकती है, किसी की राय अपनी हो सकती है, किसी की पर्सनल राय हो सकती है, ये कह रहे हैं। आप बोर्ड के बारे में क्या कहेंगे अगर वो आतंकियों को सपोर्ट कर? देखिए आतंकियों को सपोर्ट करने का कोई भी तो वो चीज़ गलत रहेगी, ये एक बात हो गई। लेकिन तस्वीर के दोनों पहलू पे आइए, आज कोई बात हो रही है कि अगर रिएक्शन आ रहा है दूसरी तरफ से तो उस पर बात हो रही है। इतने सालों से फिलिस्तीन पे जो जुल्म हो रहा था और हमारे बहुत ही प्रिय चर्चित प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने टाइम में फिलिस्तीन का साथ दिया था, कहा था, हम लोग यहाँ से दूर से बैठ किसी बात ही कह सकते हैं, जहाँ तक बात रहेगी हमारी हुकूमत जो कहेगी हम वो कहेंगे, हम इंडिया में रह रहे हैं, ये एक हुकूमत जो कहेगी नहीं। देखिए अपना अपना सबका व्यू हो सकता है, कोई भी नेता का अपना व्यू हो सकता है, डिप्लोमेटिक बात हो सकती है, कूटनीति हो सकती है, क्योंकि देखिए देश में होता क्या, हम लोग अमन चैन चाहते हैं, हम अमन शांति चाहते हैं, मुल्क के चाहे हालात, चाहे भारत के हों हालात, चाहे विदेश के हालात हो, तो हम लोग अपने हमारे अपने यहाँ पे मामलात हैं, फॉरेन के विवेक हर कोई अमन शांति चाहता है, ये तो जरूर एक बात है जो कि हर कोई चाहता है। लेकिन इस बीच जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर क्या राय है यहाँ पर लखनऊ की, वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे। माहौल कितना टाइट है लखनऊ में, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, और भी सहयोगी उनके पास चलते हैं, नीना के पास चलते हैं सहारनपुर में। नीना सहारनपुर में क्या तस्वीर है, यहाँ माहौल कितना टाइट है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, किस तरफ रुख नजर आ रहा है? देखिए इसमें हम सहारनपुर के देवबंद में खड़े हैं जो कि एक फसलों की नगरी भी मानी जाती है। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो हमास का समर्थन कर रहा है, क्या आपको लगता है इससे कोई आतंकवाद को, हमास का समर्थन कर रहा है, आतंकवाद को समर्थन कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है? नहीं देखिए एक बात सुनो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वो एक बहुत ही जिम्मेदार संगठन है, वो कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकता। ये उलेमाओं का एक बात सुनो बोर्ड है, तो पर्सनल बोर्ड है, क्योंकि वो एक ऐसा संगठन है, एक इतना मजबूत उलेमा, वो इतने मजबूत एक बात सुनो दारुल देवबंद से पूरे हिंदुस्तान से मदारिस से जुड़े हुए लोग उसमें है, तो वो कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि क्या इजराइल पर जो हमला हुआ है उसकी निंदा करेगा ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? नहीं देखिए इसराइल पे जो हमला हुआ है उस पर वो क्या करेंगे, देखिए पर्सनल बोर्ड का उनका अपना पर्सनल मैटर है, उनकी क्या राय है, उनको क्या करना चाहिए, मैं इस मसले में नहीं कुछ कह सकता। तो आपको लगता नहीं कि ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो इसमें भी मजहब ढूंढ रहा है? नहीं नहीं मजहब एक बात है, वो मजहबी लोग तो जरूर है, लेकिन वो कभी एक बात सुनो ऐसी सियासत नहीं करते जो जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिले या कई नफरती चीजों को बढ़ावा मिले या जिससे कहीं दुनिया टूटे देश टूटे, वो कभी ऐसी सियासत नहीं करते। अच्छा क्या लगता है कि आंध की जो संगठन का समर्थन किया है सपा सांसद जावेद अली ने, इसका समर्थन किया है आंध की संगठन का इस हमले का, तो क्या सपा सांसद उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव इसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे या जावेद अली के खिलाफ इस कार्रवाई करेंगे? नहीं अब देखिए एक बात सुनिए, अखिलेश यादव इसका विरोध करे या समर्थन करे ये भी उनकी अपनी जाति राय होगी। चलिए ठीक
उनकी क्या भी ठीक है, ठीक है नीना, ये सहारनपुर के लोगों की राय भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे। तमाम और सहयोगी हमारे साथ एक एक उनके पास भी चलते हैं, फिर वापस लौटेंगे नीना के पास भी। हमारे साथ सैयद आमिर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर, जरा यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिएगा जनता का, क्योंकि एक तरफ से आतंकवादी संगठन का साथ लिया जा रहा, हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि इसराइल भी पहले से लगातार फिलिस्तीन पर हमले करते आए, वहां पर पहले से गतिविधियां उसकी भी होती आई और उसी का एक तरीके से एक्शन का रिएक्शन ये हो रहा है और इसीलिए बहुत से लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर जनता की क्या राय है, यहाँ माहौल कितना टाइट है? देखिए, माहौल ज्यादा जो है टाइट है और इसराइल का और जो हमास का ये पूरा मैटर है, इस पे हम रामपुर में हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री होती है और वो हमास। देखिए, ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। इसको इस्लामिक रंग देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो यरूशलम है, मस्जिद अक्सा है, वहां पर ही दीवारी गिरी है, ईसाइयों की भी सबसे बड़ी इबादत है। तो सिर्फ उसको जो है वो वहां के फिलिस्तीनी ही आजाद करा देता, बेड़ा क्यों उठाए। अब देख, वहां पर जो हमने टीवी के माध्यम से जो देखा, उसमें हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमास से बड़ी चूक हुई और उसके तमाम इंसानी जिंदगियों को फिलिस्तीन। बिल्कुल सैयद आमिर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बड़ी खबर दे दे, फिर वापस आपके पास मैं लौटती हूँ। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज का विवादित ट्वीट सामने आया है। विवादित ट्वीट क्या है वो बता दें आपको, रिजवान ने कल का शतक गाजा को समर्पित किया है, वर्ल्ड कप के लिए भारत में है पाकिस्तान की टीम। ट्वीट कर रिजवान ने शतक गाजा को समर्पित कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फिर क्रिकेट में सियासत को मिला है। रिजवान ने कल का शतक गाजा को समर्पित किया है, तो ये एक तरफ पूरा युद्ध चल रहा है, ट्वीट कर रिजवान ने ये विवादित ट्वीट किया है और ये गाजा को समर्पित किया है। अशोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। अशोक, बहुत स्वागत आपका जीत प्रदेश उत्तराखंड पर। अशोक, रिजवान की तरफ से जो ट्वीट किया गया गाजा को समर्पित इसे किया है, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत गलत बात है, एक खिलाड़ी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और एक उग्रवादी संस्था को इस तरह से सपोर्ट करना सरासर गलत है। वो एक पाकिस्तान में तो वाई वाई लूट सकते हैं कि हिंदुस्तान में वो इस तरह का मैसेज देकर एक गलत राह पर एक वो जा रहे हैं। मेरे विचार से अगर खिलाड़ीगण इस तरह की वार्ता करते हैं तो उनको तुरंत हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए, या तो पाकिस्तान टीम को वापस भेज दें या उनको बाहर बात भेज। ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल, ये कहा जाए कि यहाँ पर भी सियासत कर रहे हैं अशोक, बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है अशोक जी यहाँ पर कि क्रिकेटर अगर क्रिकेट खेले या फिर खेल के बारे में कुछ लिखे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, सियासत कम से कम ना करें। उनको इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए, अगर वो देते हैं तो बेहतर है कि वो खुद ही चले जाए वहां पर जाकर हमास के साथ जाके लड़े, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी। तो सियासत नहीं करनी चाहिए क्रिकेटर को, वो क्रिकेट के दायरे में ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, ये अशोक जी का कहना है जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व क्रिकेटर और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। वापस हम अपने मुद्दे पर आते हैं, माहौल कितना टाइट है हम जानने की कोशिश कर रहे थे। हम सैयद आमिर के पास जाएंगे, लेकिन संबल का एक बार जरा रुक कर लेते हैं। संबल से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए सुनील सिंह। सुनील, संबल में कितना माहौल टाइट नजर आ रहा है, यहाँ की जनता क्या कह रही है? एक पाकिस्तान के क्रिकेटर ट्वीट भी करते हैं जो कि गाजा को समर्पित करते हैं, इस बीच यहाँ की जनता का क्या कुछ कहना है इसराइल और हमास के बीच ये तमाम चीजें जो चल रही है? मैं इस समय संबल जिले के चंदोसी के एक बड़े मस्जिद के पास पहुंचे हैं और मेरे साथ में यहाँ पर मुस्लिम समाज के काफी लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, आपको बताइएगा इसका मुस्लिम फतुल्लाह बोर्ड ने समर्थन किया है, क्या हम आपका आप क्या समझते हैं समर्थन को लेकर? आप कम से कम 50-60 साल के अंदर 3.5 लाख फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, 3.5 लाख फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। और अगर हमास एक ऐसा संगठन है तो फिलिस्तीनियों की रहनुमाई के लिए बनाया गया है। अगर हमास ने आज इसराइल पर अटैक कराए, उस जुल्म का बदला लेने के लिए अटैक कराए, तो आज उसको जो है दुनिया गलत करार दे रही है कि एक आतंकवादी हिस्सा है। आप किसके साथ हैं? आप ये हमास के साथ हैं, इसराइल के साथ हैं? हमास का समर्थन करते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा ये कहता है कि फिलिस्तीन एक देश नहीं, फिलिस्तीन हमारी
ईमान की मोहब्बत की अलामत है। अगर मस्जिद अल अक्सा से मोहब्बत नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। मस्जिद अल अक्सा से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते रहे।